नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे नागपुर के एक शानदार गणपति पंडाल में, जिसे धर्मपेट का राजा के नाम से जाना जाता है। इस साल धर्मपेट का राजा की थीम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि इस बार की थीम है रामायण। रामायण के अद्भुत प्रसंगों को दर्शाते हुए इस बार का पंडाल सजाया गया है। तो चलिए करते हैं धर्मपेट का राजा के दर्शन और जानते हैं इस भव्य पंडाल की खास बातें। जैसा कि आप देख सकते हैं, धर्मपेट का राजा का ये पंडाल रामायण के विभिन्न प्रसंगों से सजाया गया है। यहाँ प्रवेश करते ही आपको त्रेता युग का एहसास होगा। पंडाल की सजावट और भगवान राम के वनवास, रावण वध और सीता हरण जैसे मुख्य घटनाओं को दर्शाया गया है। हर साल धर्मपेट का राजा अपनी अनोखी थीम के लिए प्रसिद्ध होता है। और इस बार की रामायण थीम ने तो पूरे शहर में चर्चा बना दी है। धर्मपेट राजा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को पारंपरिक मराठी शैली में सजाया जाता है। बाप्पा का मुकुट, हाथों में शस्त्र और सुनहरी आभा से घिरी प्रतिमा भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना को और भी गहरा कर देती है। पंडाल के अंदर आते ही आपको चारों ओर रामायण के महाकाव्य और दृश्य दिखाई देगा। एक तरफ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास का दृश्य है, तो दूसरी ओर रावण का दरबार और हनुमान जी की लंका दहन की कहानी। धर्मपेट के राजा के भक्त यहाँ हर साल आकर बप्पा के दर्शन करते हैं, लेकिन इस बार रामायण थीम ने उन्हें और भी अधिक आकर्षित किया है। लोग यहाँ आते हुए रामायण की कहानी को फिर से जीवंत होते देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था धर्मपेट के राजा के रामायण थीम वाले पंडाल का दर्शन। यहाँ की सजावट, मूर्ति और माहौल सच में बहुत ही अद्वितीय है। अगर आप भी गणेश उत्सव के दौरान नागपुर में हैं, तो धर्मपेट में आकर बाप्पा का आशीर्वाद लेना न भूलें। चलो हम चलते हैं बाहर यहाँ से, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय गणेश।